हंगामी विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा पहले पुलिस स्टेशनों पर सीपीएम का कब्जा था। कर्नाटक के पुत्तूर में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा किया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल मांगे माफी, सीजीपीसी प्रधान बोले अरदास में बिना सर ढके खड़ा होना सिख मर्यादा का उल्लंघन। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा चुप्पे किसी समस्या का हल नहीं, अपना उदाहरण दे बताया जीवन में रिस्क लेना क्यों है जरूरी। आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा में G20 में मेहमानों के शाही और रॉयल वेलकम के बाद आज आगरा किला में G20 मेहमानों के लिए लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर किले को खूबसूरत बनाया गया है। लाइट और साउंड शो में कलाकारों द्वारा शानदार रंगारंग प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, साथ ही ब्रज की संस्कृति से लेकर देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मेहमानों के सामने पेश किया जा रहा। बहुत ही आनंदित हूँ कि ये जितने प्रतिनिधि थे वो बहुत चक्के रह गए कि ये हिंदुस्तान की न सिर्फ काबिलियत है बल्कि हिंदुस्तान का इतिहास है। इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ सीखा हमने और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए G20 प्रेसिडेंसी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। और इसी का एक अनुभव देखा, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि अपनी जो विरासत है उसको भी संजो के रखें, और प्रधानमंत्री जी की उसी भावना को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने G20 परिवार को पहुँचाने का प्रयास। देखिए, ये भारत की संस्कृति सभ्यता परंपराओं को दर्शाता हुआ ये कार्यक्रम हुआ है और ये दिखा रहा है जो इतनी विदेश से हमारी बहनें आई हैं G20 के अंतर्गत, उनको ये लगना चाहिए कि भारत हमेशा से विश्व गुरु था, है और रहेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया को राह दिखा सकता है। हम आध्यात्मिक हैं, हम संस्कारवान हैं, हम अपनी परंपराओं को मानने वाले हैं, तो यही सारा कुछ और अनेकता में एकता वो भी दिखाई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का, इधर गुजरात से लेके और इधर उड़ीसा तक का सारे नृत्य दिखा के ये दिखाया कि हम सब अनेक भाषाओं वाले, अनेक कल्चर को मानने वाले, लेकिन हम सब भारतीय हैं, एक हैं, और यही संदेश दिया है कि वसुधैव कुटुंब, पूरी दुनिया एक परिवार है। अभी आपने यहाँ देखा कि विभिन्नता में एकता का प्रदर्शन हमारे कलाकारों ने किया है। यहाँ भांगड़ा भी था, यहाँ गरबा भी था, यहाँ कथकली भी थी, कुचिपुड़ी भी थी, भरतनाट्यम भी था, बहुआ भी था, घूमर भी था। तो हमने अपने विदेशी मित्रों को ये बताने की कोशिश की है कि हमारी भाषा अलग है, भोजन अलग है, भूषा अलग है, हमारे लोक नृत्य अलग हैं, लोक संगीत अलग है, हमारी बोली अलग है, लेकिन कुल मिला के हम एक अखंड भारत हैं। गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा विजयनगर में दूधेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे, साथ ही आने वाले त्योहार को लेकर मंदिर का जायजा भी लिया। साथ ही कमिश्नर के दूधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की और सभी सीसीटीवी कैमरे मंदिर की निगरानी कर रहे उनके कंट्रोल रूम में जाकर हर व्यवस्था को देखा। खबर लखनऊ से है, जहां चारबाग में रोडवेज बस में भीषण आग लग गई और आग लगने से दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। बता दें, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं आग लगने के बाद मौजूद चालकों ने आसपास खड़ी बसों को वहां से हटाया।
लखनऊ के गुडम्बा इलाके में एटीएस की छापेमारी चल रही है। यहां ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ एटीएस का शिकंजा कसा है। बता दें कि आरडी अपार्टमेंट में काफी दिनों से एटीएस छापेमारी कर रही थी। इस मामले में ऑनलाइन कॉल सेंटर पर छापेमारी की गई और इसी मामले में आरडी अपार्टमेंट के थर्ड फ्लोर पर भी छापेमारी की गई। बता दें कि एटीएस की टीम 4 गाड़ी के साथ अपार्टमेंट में पहुंची थी। सिद्धार्थनगर में त्रिलोक थाना क्षेत्र के विश्वनपुर हरी में एक किशोर युवती का शव तालाब में मिला, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक शौच के लिए युवती बाहर निकली थी, तभी तालाब में पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया, साथ ही अतिथि गृह, परिवहन शाखा, भोजनालय, बैंकरों का निरीक्षण भी किया और गणना कार्यालय के अभिलेखों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान रिजर्व पुलिस लाइन में निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण कर संबंधित को निर्देशित भी किया गया। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।